नमस्कार बच्चों, मैं हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वेयर रूट। जो भी नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ये नीचे नंबर्स गिवन हैं, ठीक है, इनके स्क्वेयर रूट के डिजिट फाइंड करने हैं कि जो स्क्वेयर रूट निकलता है उनमें कितने डिजिट होते हैं, ये फाइंड करना विदाउट एनी कैलकुलेशन, बगैर किसी कैलकुलेशन के, ठीक है। आइए करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर हम 64 का निकालेंगे, 64 है, ठीक है, गिवन नंबर ही 64 मैं लिख देता हूँ। गिवन नंबर एज 64, ठीक है, गिवन नंबर इज 64 एंड इट इज़ ए टू डिजिट नंबर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज ए टू डिजिट नंबर। ठीक है, ये टू डिजिट नंबर है, वन और टू, टू डिजिट नंबर है। सो जब टू डिजिट होते हैं तो इवन नंबर है होते हैं, ठीक है, इवन नंबर, ये इवन नंबर है, सो मैं लिख देता हूँ, सो इट इज ए इवन नंबर, सो इट इज ए इवन नंबर, ये इवन नंबर है। और इवन नंबर जब होते हैं तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला होगा एन बाई टू, ठीक है बच्चों, एन बाई टू। अब एन बाई टू यानी कि अब यहाँ पर एन की जगह एन लिखना है, यानी डिजिट कितने हैं, वन टू, तो टू डिजिट है तो टू बाई टू और ये आ गया वन, ठीक है। जो 64 का हम स्क्वेयर रूट फाइंड करेंगे उसके जो रूट का जो डिजिट होंगे वो वन डिजिट का आएगा, ठीक है बच्चों, वन डिजिट का आएगा। तो ये आपका एक ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके जो स्क्वेयर नंबर ये लिखा है ना, जैसे नंबर ऑफ डिजिट इन ए स्क्वेयर रूट, तो नंबर ऑफ डिजिट होगा वन, ठीक है, स्क्वेयर रूट के जो डिजिट के नंबर होंगे वो कितने होंगे, वन होंगे। आइए हम सेकंड कर लेते हैं, सेकंड में 144 है, ये 144 और गिवन नंबर है 144, मैं लिख देता हूँ, चलो एक बार फिर, गिवन नंबर एज 144, ठीक है, एट एज ए थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, ठीक है। सो इट इज ए ओड ओड नंबर, ये ओड नंबर है। और हम जो फॉर्मूला ओड नंबर में अप्लाई करते हैं वो वन प्लस वन, ओ सॉरी, एन प्लस वन बाई टू, ये होता है ओड नंबर में, ठीक है, ओड नंबर में एन प्लस वन और इवन नंबर में एन बाई टू। तो ओड नंबर जैसे वन टू थ्री, ठीक है, एन की जगह थ्री लिखेंगे, प्लस वन बाई टू, थ्री और वन फोर बाई टू, टू से टू डिवाइड, फोर डिवाइड कर दे, टू से फोर को डिवाइड किया, टू आ गया। तो इसके जो स्क्वेयर रूट के जो नंबर आएंगे वो टू, टू डिजिट का आएगा, ठीक है। अगर हम निकालते हैं, देखिए जैसे 144 का हम स्क्वेयर रूट निकालें तो वो आएगा 12, और 12 में कितने डिजिट होंगे, वन और टू, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है कितने डिजिट होंगे, वन और टू, तो टू डिजिट होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आइए अब मैं जल्दी जल्दी आगे कर लेता हूँ, 4489, अब देखिए 1 2 3 4, फोर इसमें डिजिट हैं, तो आपको जब इसको निकालना है तो n बाय टू वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि 4 इज ए इवन नंबर, इवन नंबर है, तो 4 बाई टू, टू टू जा 4, तो इसके जो स्क्वेयर रूट के नंबर आएंगे वो भी 2 आएंगे। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगले में देखते हैं 27225। अब इसमें क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या ओड नंबर है, ठीक है, 5 ओड नंबर है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n प्लस 1 बाई टू, ठीक है, और 5 प्लस 1 बाई टू यानी 5 प्लस 1 6 बाई टू, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया 3, तो इसके जो स्क्वेयर रूट के जो नंबर आए, स्क्वेयर रूट आएगा उसके जो डिजिट होंगे वो 3 होगा, ठीक है बच्चों, 3 है। आइए हम इसमें फिफ्थ पार्ट में यहाँ पर कर लेता हूँ, फिफ्थ पार्ट का भी 390625 और 1 2 3 4 5 6, जी हाँ, ये 6 जो इसका नंबर आया है वो है इवन नंबर, और इवन नंबर में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी सॉरी यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 2, 2 से इसको करें 2 3 6, और इसके जो स्क्वायर रूट के नंबर आएंगे वो 3 आएंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था, छोटा सा क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, अगर समझ में ना आया तो भी लिखें, ताकि हम आपके मन इच्छा के मुताबिक हम वीडियो अपलोड कर सकें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।